नमस्कार, मैं रोशन हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपको पता ही है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, और उसके जो चरण चल रहे हैं विधि विधान से मकर संक्रांति के दिन से ही शुरू हो गए। और आज जो रामचंद्र जी की रामलला की मूर्ति है, उनको आज स्वर्ण आसन में स्थापित कर दिया गया है। कल वहाँ मूर्ति पहुँच गई थी और आज उन्हें स्थापित कर दिया गया है। और अब जो बाकी विधान है, 1920 को मंदिर बंद रहेगा, वहाँ किसी का प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि अभी मूर्ति की स्थापना हो रही है। उसके बाद वहाँ जो जो अष्टयंत्र होते हैं वो भी लगेंगे। तो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सब कुछ हो रहा है। और अब वो घड़ी निकट आ गई है जिस घड़ी के लिए पूरे भारतवर्ष में करीबन 600 साल, करीबन 500 साल, यानी 496, 496 सालों का इंतज़ार किया, और वो घड़ी, वो शुभ घड़ी अब आ गई है, जिसके लिए पूरा देश उत्साहित है। पूरे देश में इस वक्त एक उत्साह का माहौल है, बाजार सज रहे हैं। केवल अयोध्या नहीं, अयोध्या तो दुल्हन की तरह सजी गई है, पूरे देश में हर बाजार, हर मोहल्ला, हर गली सज गया है। और वहाँ अब 22 और 21 और 22 को दिवाली सब लोग मनाएंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। और जो खबर आ रही है, इसी से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हम बात करेंगे। एक तो प्राण प्रतिष्ठा पर श्री राम मंदिर में जो प्रवेश गेट नंबर 11 है, वहाँ से पीएम प्रवेश करेंगे। एक वीआईपी गेट बनाया गया है ताकि लोग बाहर से बाहर ही निकल जाए, क्योंकि जब पब्लिक लाइन पर लगती है और उसमें वीआईपी आता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये अच्छी व्यवस्था है कि वीआईपी के लिए अलग गेट हो। और तो उसके अलावा वहाँ पर एक पथ है, नवनिर्मित श्री राम पथ है, और पीएम मंदिर में पहुंचने के बाद इस पथ पर चलेंगे। सुरक्षा के मद्देनज़र बैरिकेडिंग उसमें की गई है। असल में पूरे राम मंदिर परिसर को इसमें सील कर दिया गया है, वहाँ किसी के भी जाने की परमिशन नहीं, क्योंकि पीएम और बड़े लोग वहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए वहाँ जो एनएसजी है, उन्होंने सैनिटाइज करने के लिए पूरे परिसर को सील कर दिया। और मित्रों, रामलला के लिए नंगे पांव पांव चरण पादुका लेकर आए कन्हैया, ये जो है ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को सौंपी पादुका। और ये प्रसिद्ध भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल, रामलला के लिए चांदी के चरण पादुका ये खड़ग लेकर आए हैं। और ये कन्हैया मित्तल हैं जिनका लिखा और गाया भजन जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, धूम मचा रहा है। तो कन्हैया को 13 जनवरी को प्रेरणा हुई थी कि उन्हें आसपास के लोगों को राम मंदिर में जोड़ने के लिए कुछ करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने चरण पादुका लेकर आ गए। फिरोजाबाद आपको पता ही है कि चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। तो फिरोजाबाद से माँ जानकी के लिए 10,000 चूड़ियाँ भेजी गई थी, जो आज ये अयोध्या धाम आ गई हैं। और ये जो जत्था है, भक्तों का जत्था, वो भी चूड़ियाँ लेकर आया है, और इन्होंने चंपत राय को ये चूड़ियाँ सौंपी हैं। तो ये हम माँ जानकी के लिए, क्योंकि राम जी, हालांकि यहाँ यहाँ जो राम जी हैं वो बाल स्वरूप में हैं, लेकिन मंदिर इतना बड़ा है कि बाकी भी मंदिर के अंदर परिसर में होंगे, पूरा राम परिवार होगा। अभी जो जो पुरानी अभी जो मूर्ति है, जो 50 साल से वहाँ, 75 साल से जो मूर्ति है, 1950 में जो 49 में रखी गई थी, वो मूर्ति मुख्य स्थान पर होगी। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी मूर्ति पत्थर की बनाई गई है, वो भी वहीं होगी। वो स्वर्ण आसन में उनको रखा गया है, और जो छोटी मूर्ति है वो मुख्य स्थान पर होगी।
तो इसके अलावा जो दूसरे कक्ष में राम परिवार होगा, जिसमें माँ जानकी होगी, लक्ष्मण होंगे, हनुमान जी होंगे, तो वहाँ ये सब चूड़ियाँ वगैरह जब उनका रोज श्रृंगार होगा तो ये रखी जाएगी। तो आज हालांकि एक बुरी खबर आई है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में 3 खालिस्तानी दबोचे गए, तो ये थोड़ा खतरनाक है कि अगर इस तरह के आतंकवादी घूमते रहेंगे तो दिक्कत होगी। और मित्रों, जो गर्भगृह है उसमें जो आज वहाँ मूर्ति लगाई गई, एक तो पूरा अयोध्या सजाया गया है, और जो अयोध्या 5 सदी की तपस्या बृहस्पतिवार को फलित हो गई, धनुष तीर लिए रामलला अपने नव्य भव्य दिव्य भवन में सोने के सिंहासन पर खड़े मुद्रा में विराज गए। इस पल के इंतजार में सदियां बीत गई, हिंदू जनमानस के शतरंज भरे संघर्ष की सुखद अनुभूति की इस अविस्मरणीय पल की साक्षी बनी सजी धजी श्री राम नगरी। उमंग उत्साह उत्साह में सरोवर है श्री राम जन्मभूमि परिसर, फूलों की सजावट से महकने लगे श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के विविध सोपानों में, सघन अनुष्ठानों के बीच तीसरे दिन हवन कुंड में पड़ रही आहुतियों की सुगंध व यज्ञाचर्यों के वैदिक मंत्रों के उच्चार में पवित्र भावभूमि पर कर्मकांड पूरे किए जा रहे हैं। विग्रह का अधिवास, जलाधिवास व गंधाधिवास हुआ, और दोपहर के बाद अनुष्ठानों के बाद गणेश अंबिका पूजन, वस्त्र पूजन, चतुर्विध पुण्यवाचन, मातृका पूजन, वसोधीरा पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन, आयुष मंत्र जाप, नांदी श्राद्ध, आचार्य द्विज ऋतिक वरण, मधु पार्क पूजन, मंडप प्रवेश, पृथ्वी कूर्म, अनंत वराह यज्ञ पूजन, दिग्रह रक्षण, पंचगव्य प्रेक्षण, मंगपांग वास्तु पूजन, वास्तु बलिदान मंडप, सूत्र वैष्टम, दुग्ध धारा, जल धारा करणम, षोड सप्तम पूजम, मंडप पूजम, तोरण द्वार, ध्वज आयुध पताका, दिग्पाल द्वार, द्वारपाल पूजा, विग्रह का जलाधिवास, गंधाधिवास, सायंकालीन पूजन व आरती। और मित्रों, आज आरण्य मंथन से अग्नि, यानी शुक्रवार को सुबह 9 बजे से आरण्य मंथन से अग्नि प्रकट होगी, उसके पूर्व गणपति आदि स्थापित देवताओं का पूजन, द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेद पारायण, वेद प्रबोधन, औषधाधिवास का वेद पारायण, देव प्रलो प्रबोधन, औषधि धिवास, केसरी धिवास, तीर्थ धिवास, कुंड पूजन, पंच भू संस्कार होगा। अरण्य मंथन से प्रकट अग्नि की कुंड में स्थापना, गृह स्थापना, असंख्यात द्र पीठ स्थापना, प्रधान देवता स्थापन, राजा राम भद्र श्री राम यंत्र, पीठ देवता, अंग देवता, आवरण देवता, महापूजा, वस्त्र मंडल, योगिनी मंडल स्थापन, क्षेत्र पाल मंडल स्थापन, गृह होम स्थाप्य, देव होम प्रसाद, वास्तु शांति, धान्य धिवास, सायंकालीन पूजा एवं आरती होगी। तो ये बड़ा बिल्कुल पूरे विधि विधान से चल रहा है। और पड़ोस का जो जिला है गोंडा, वहाँ अलर्ट मोड में है, क्योंकि खतरा है, कहीं के ऐसा नहीं है कि वहाँ से कुछ आतंकवादी घुसा, जैसे कि आज वहाँ 3 खालिस्तानी पकड़े गए। और इसके अलावा मित्रों, जो अयोध्या में जो बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही हैं, जैसे कि
नेपाल में भी पुराण पुस्तक को लेकर बहुत उत्साह का माहौल है। जानकी मंदिर में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होने, जनकपुर में घरों और सड़कों को रंग बिरंगी रोशनी, कागजों के झंडे, बैनर और मालाओं से सजा गया है। तो चूंकि आपको पता ही है कि माता जानकी नेपाल से थी, जो जनकपुर आज ऐसा कहते हैं कि जो जनकपुर आज है, जो सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी बिहार में है, वहाँ माता सीता का जो जन्म हुआ था, वो एक इन धरती से उनका जन्म हुआ था। धरती में एक घड़े में वो थी, और जब राजा जनक हल लगा रहे थे तो माता सीता का जन्म हुआ, ऐसा कहावत है। तो जो राजा जनक है, उनका जो स्थान था वो नेपाल में था। तो नेपाल का उस आज का नेपाल, उस समय तो ये सारा एक रहा होगा, तो इसलिए नेपाल में ज़्यादा खुशी है। और मित्रों, इसके अलावा आज भी अपने परम प्रिय भक्त हनुमान को नहीं भूले श्री राम जी। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाने वाली नई बाल स्वरूप भगवान श्री राम की प्रतिमा हनुमान गढ़ी के सामने से गुजरी, इसे संयोग कहा जाएगा या फिर पवित्र हनुमान की भक्ति, क्योंकि वो जो मूर्ति है वो ही यहीं से निकली, असल में रास्ता ही वही है। और भगवान जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को बिठाया गया था, स्थापित किया था, वो राम जी ने ही किया था, क्योंकि राम जी जब अंतर्ध्यान हो रहे थे तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी चलूँगा, तो राम जी ने उनको कहा था कि आप यहाँ रुको और यहाँ तब तक रहो जब तक आपकी आवश्यकता है, जब तक और यहाँ उनकी यानी रामायण को लेकर प्रचार प्रसार करते हो। तो इसलिए हनुमान जी हनुमानगढ़ी में और राम जी ने बैठा, तो उनकी मूर्ति हनुमानगढ़ी से होती गई, जहाँ हनुमान जी ने जरूर उनके दर्शन किए होंगे। और अयोध्या का कोतवाल मत गजेंद्र को माना जाता है, यह लंकाधिपति विभीषण जी के पुत्र थे। कोतवाल मतलब ये गजेंद्र हैं, जो विभीषण के पुत्र हैं। विभीषण जी ने अपने इस पुत्र को भगवा राम की सेवा के लिए अयोध्या में रख छोड़ा था। अयोध्या वासियों का मानना है कि भगवान राम का दर्शन के लिए अयोध्या जाने पर सबसे पहले यहाँ कोतवाल मत गजेंद्र का आशीर्वाद लेना होता है, तभी दर्शन सफल होते हैं। वर्तमान महंत नरहरि दास मत गजेंद्र मंदिर की स्थापना के विषय में बताते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से लौटे, उस समय विभीषण जी पूरे परिवार संग राम जी की को अयोध्या पहुँचाने के लिए लंका से अयोध्या थी। विभीषण जी अयोध्या 4 महीने रहे। विभीषण जी 4 महीने बाद अयोध्या से लंका जब वापस लौटने लगे, तब अपने पुत्र मत गजेंद्र को राम जी की सेवा के लिए देकर चले गए। उसी समय से मत गजेंद्र बाबा को अयोध्या के उत्तरी फाटक के प्रधान सेवक पहरेदार के रूप में जिम्मेदारी दी गई। उन्हें हम आज के कोतवाल बाबा भी कहते हैं। इस मत गजेंद्र मंदिर पर होली के बाद प्रथम मंगलवार के दिन मत गजेंद्र मेला का भी आयोजन होता है। इस तरह से नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और प्राण प्रतिष्ठा पर 12 प्रकार के अधिवास से गुजरेंगे बाल स्वरूप। तो ये तो आपको बता दिया कि जो राम मंदिर परंपरा है, तो उसके कारण 12 अधिवास होंगे, जो हर प्रकार से होंगे। जैसे द्वादश अधिवास कहा जाता है, इनमें गंधा अधिवास, औषधि अधिवास, केसरा अधिवास, शर्करा अधिवास, मध्यादि अधिवास, फल फलादिवास, अनाधिवास, पुष्पाधिवास, नृत्याम नृत्याधिवास, धान्य अधिवास, शय्याधिवास आदि। तो इस तरह से 12 तरीके जो अधिवास हैं उनसे गुजरेंगे। केसरी में, काशी में केसरी नंदन का अनुसरण किए दशरथ नंदन। और राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी रामोत्सव की धूम मची है, क्योंकि ननिहाल जो माता कौशल्या थी वो छत्तीसगढ़ की थी, और वहाँ बहुत बड़ा धाम है, और पिछली सरकार ने भूपेश बघेल ने वहाँ बड़ा अच्छा बनाया था। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब वहाँ गए थे, और श्री राम यहाँ कोरिया से लेकर कोटा तक 2226 किलोमीटर पैदल चले और 12 चातुर्मास किए, ऐसा कहा जाता है।
धर्मपथ की भित्तियां पर उकेरी जा रही है संपूर्ण रामायण, और नेपाल में उत्कर्ष पर उत्साह, जनकपुर में जलेंगे 1.25 लाख दिए। तो इस तरह से राम मंदिर की धूम है, और ये ऐतिहासिक अवसर है। इस ऐतिहासिक अवसर में हम सबको, पूरे देशवासियों को इसमें शामिल होना है। तो मित्रों, चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।